राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण का ऐलान करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार सवर्णों का वोट साधने के लिए कुछ और अहम ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक गरीब तबके के लिए आरक्षण के बाद अब मोदी सरकार मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान करने के साथ साथ होम लोन में रियायत देने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ये ऐलान आगामी अंतरिम बजट 2019 के जरिए कर सकती है। गौरतलब है कि लगभग 3 हफ्ते बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अंतरिम बजट पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री इनकम टैक्स एक्ट के सेशन 80C के तहत टैक्स लैब में बड़ा परिवर्तन करने का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ साथ केंद्र सरकार पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त टैक्स छूट के साथ साथ होम लोन दर में भी कटौती का ऐलान कर सकती है। गौरतलब है कि इस सौगात के जरिए अप्रैल मई में होने वाले आम चुनाव में सरकार मध्यम वर्ग के वोट को साधने का काम करेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।